आज प्रोग्राम में जिसका नाम है एड्स सेव अलायंस, तो सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों मिशन 25 में जुटे हुए हैं। आज हम बात गहलोत के मिशन 25 की करेंगे, बात उस सनसनी केस खुलासे की भी करेंगे जो मुख्यमंत्री गहलोत ने किया है, जिक्र नोटबंदी का भी होगा, ये भी आपको बताएंगे कि कहां ट्रकों में भरकर नोट बांटे गए थे और शहीदों के नाम पर कौन वोट मांग रहा है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं कि गहलोत ने आज कहां कहां जनसभा को संबोधित किया और गहलोत ने मोदी सरकार और बीजेपी पर क्या आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत की कल कहां कहां चुनावी सभाएं हैं, बात सोशल मीडिया की भी होगी कि गहलोत ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। सीएम अशोक गहलोत मिशन 25 में जुटे हुए हैं और प्रदेश के हर कोने को कांग्रेस मय करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में गहलोत ने आज कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इसके बाद भीमवाड़ा में गहलोत व्यापारियों के बीच भी पहुंचे, जहां शेलोक रिजॉर्ट में गहलोत ने व्यापारियों से संवाद किया। इस दौरान सीएम गहलोत का व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं व्यापारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासन में व्यापारियों की समस्याएं दूर की जाएगी। इस दौरान गहलोत ने मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। तो आज व्यापारियों के साथ सीएम गहलोत ने संवाद किया और साथ साथ उनकी समस्याएं भी जानने की कोशिश की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने व्यापारियों को अपने मैनिफेस्टो में भी जगह दी है उनके बिजनेस प्लान को लेकर। तो आज गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया व्यापारियों ने। गहलोत ने पीएम मोदी पर भी इस दौरान जमकर निशाना साधा और कई सभाओं को भी आज उन्होंने संबोधित किया। और ये तस्वीरें जिस वक्त देख रहे हैं शेलॉक रिजॉर्ट की देख रहे हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा के कारोई में भी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। गहलोत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो का भी जिक्र किया। गहलोत ने पीएम मोदी और बीजेपी पर भी निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सेना को मोदी जी की सेना बताते हैं और मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या है। बीजेपी के नेता असली मुद्दों के बजाय धर्म और हिंदुत्व की बात करते हैं, क्या यहां बैठे लोग हिंदू नहीं हैं।
ये चार तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, जहां भिलवाड़ा में गहलोत की मौजूदगी देखने को मिली। और पहली तस्वीर जो है वो हेलीपैड की है, जहां पे स्थानीय कार्यकर्ता स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए थे। उसके बाद दूसरी तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि मंच पर दिग्गज मौजूद रहे। आज मोदी जी 5 साल के बाद में बजाय इसके कि मुद्दा आधारित बात करे, नीतियों की बात करे, सिद्धांत की बात करे, कार्यक्रमों की बात करे, अपने उपलब्धि बताए, आगे क्या करें उसके बारे में बात करे, वो धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर बात कर रहे हैं, वो राष्ट्र भक्ति की बात करते हैं। क्या हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं हम राष्ट्रभक्त नहीं है क्या? देश का कौन सा नागरिक राष्ट्रभक्त नहीं, बता दीजिए मुझे। तो आप अगर सैनिकों के पराक्रम और शौर्य है उसको हम सब सलाम करते हैं, आप उसके पीछे से राजनीति करना चाहते हो, ये अच्छी बात नहीं। योगी जी का ये कहना, मुख्यमंत्री का, अभी कोई आप सरकार के खिलाफ बोल जाओ तो राजद्रोह का मुकदमा दायर हो जाता है। और योगी जी ने कह दिया कि आप तो मोदी सेना है, सेना को कह दिया। अरे पाकिस्तान में तो प्रधानमंत्री को जेल जाना पड़ता है सैनिकों के शासन के अंदर। जुल्फिकार भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया वहाँ पर, प्रधानमंत्री को। आप कल्पना करो हमारे यहाँ कितने प्रधानमंत्री बदले हैं, वापस आए हैं, शासन बदलते गए हैं, कभी भी सैनिकों का शासन यहाँ नहीं हुआ। हमारे यहाँ के सेना का अलग तरह का हो रहा है, राजनीति अलग चलती है, पाकिस्तान वो स्थिति नहीं है। योगी जी क्या कहना चाहते हैं देश को बताएं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए देश से, मेरी गलती से मुझे निकल गया, वरना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि इस आदमी ने के कैसे दिया कि मोदी सेना है, हमारी सेना जो है वो मोदी सेना है। आप क्या चाहते हो, किस प्रकार भड़काते हो उनको, सेना के पीछे छिपके आप चुनाव जीतना चाहते हो, वो संभव नहीं है। समय बहुत खराब है, आपको समझना पड़ेगा, धन बल की कमी नहीं उनके पास में, ट्रकें भर भर के पैसा बांटा जा रहा उम्मीदवारों को, और उम्मीदवारों के आगे पता नहीं क्या करेंगे वो लोग, समझ सकते हो आप लोग। नोटबंदी के बाद में इतना धन इकट्ठा हो गया, 5 सितारा कल्चर वाली उनकी होटलें बन रही, होटलें क्या बन रही, उनके ऑफिस बन रहे हैं, दिल्ली में बन चुका है, उद्घाटन हो चुका है, देश भर में बन रहे हैं उनके ऑफिस। पैसा कहाँ से आया किसी को पता नहीं, और पार्टी के पास पैसा ही नहीं देने के लिए, और बीजेपी वाले पहले कमी नहीं है, ये कैसे हो गया, कोई जादू हो गया है? अरे जादूगर तो मैं हूँ, और वो जादू कौन से लिया है मोदी जी, मोदी जी आपने कौन जादू कर दिया कि आप, आपके पास पार्टी के पास पैसे कमी नहीं है, संविधान खतरे में है और देश खतरे में है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर हिंदुस्तान के तमाम विपक्षी पार्टी एकजुट होकर कहे उसको हम क्या कहेंगे, आप सोच सकते हो। इस माहौल में बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, CBI के खुद के ऑफिस में छापा पड़ चुका है। अरे CBI तो पुलिस वालों के छापे डालती है, ये तो हमने सुना है। रात को 2 बजे PMO में बैठ करके कार्रवाई कर रही गई, और दिल्ली पुलिस गई CBI के हेडक्वार्टर पर रात को 2 बजे, जहाँ के वहाँ छापा डाला गया, फाइलें ले गए वहाँ से, CBI डायरेक्ट को हटा दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस लगाया और गली निकाल के पुनः हटा दिया उसको। तो देश में जुडिशरी में दबाव है, RBI कमजोर की जा रही है, तमाम तरह की संस्थाएं कमजोर हो रही है, और ये जो हो रहा देश में ये मोदी जी को ले डूबेगा। तो बीजेपी ने भीलवाड़ा सीट से मौजूदा सांसद सुभाष बहेड़िया पर फिर से यकीन किया है, तो वहीं कांग्रेस नए चेहरे रामपाल शर्मा पर दाव खेला है। तो ये दोनों प्रतिद्वंदी हैं। जयपुर शहर सीट पर आमने सामने जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकसभा चुनाव के मिशन 25 को पूरा करने के लिए इन दिनों तूफानी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। CM गहलोत ने आज अलवर के थाना गाजी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान PM मोदी को उन्होंने जुमलेबाज बताया। गहलोत ने कहा कि मोदी जी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। वहीं नोटबंदी को लेकर भी मोदी पर प्रहार किया। गहलोत ने नोटबंदी को स्पैक करार दिया। आज मोदी जी सेना और राष्ट्र के नाम पर वोट मांग रहे हैं, विकास की कोई बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि देश में भय और नफरत का माहौल है। राहुल गांधी जी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। सभा को मंत्री रघु शर्मा ने भी संबोधित किया।
वादे पूरे किए नहीं, ना ब्लैक मनी लाने के किए, ना 2 करोड़ नौजवान नौकरी देने के किए, ना महंगाई कम करी, खाली जुमलेबाजी होती रही है। लोकतंत्र में भय का माहौल, घृणा का माहौल, डर का माहौल, धमकाने का माहौल नहीं होना चाहिए। आज देश में मोदी जी के राज में वही माहौल चल रहा है, कहीं CBI का डर, कहीं इनकम टैक्स का, कभी ED का। भ्रष्टाचार बहुत घना बढ़ गया है, इनकम टैक्स में भी, सब डिपार्टमेंट के अंदर भी। जो लोग व्यापारी हैं या जिनके काम पड़ते हैं उनको मालूम है, लाख अल्पा रहे वो मोदी जी, कोई स्कैम नहीं हुआ देश के अंदर। वो पूछो, ठगे भर भर के पैसा जा रहा है उम्मीदवारों के पास में, पूरे देश के अंदर कैसे जा रहा पैसा, ट्रकों में जा रहा है, तो विश्वास करेगा? भ्रष्टाचार स्कैम हुआ नहीं। अरे नोटबंदी अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है, जिसमें गरीब लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। ये धर्म के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर वोट मांगते हैं, तो क्या हम यहाँ बैठे हुए लोग राष्ट्रभक्त नहीं हैं? कौन राष्ट्रभक्त नहीं है? अब चुनाव जीतने के लिए उपलब्धि बताओ अपनी, क्या काम किए, क्या काम करोगे आगे, इसके आधार पर लेखा जोखा देना पड़ता जनता को, और जनता फैसला करती है किस पार्टी को हमें सत्ता सौंपनी है। ये लोकतंत्र का कायदा होता है। तो अलवर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व सांसद भंवर जितेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने नए चेहरे बाबा बालकनाथ पर दाव खेला है। तो ये समीकरण है अलवर सीट को लेकर, जहां आमने सामने ये चेहरे भिड़ने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी की बात करें तो भंवर जितेंद्र सिंह है जो की नामग्रामी चेहरे है, और वही बीजेपी प्रत्याशी की बात करें तो बाबा बालकनाथ पर उम्मीद की गई है, इनको जिताऊ कैंडिडेट बीजेपी ने माना है। तो लड़ाई अलवर से बेहद दिलचस्प है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन 25 में जुटे हुए हैं। गहलोत ने टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस प्रत्याशी नमो नारायण मीणा के समर्थन में गंगापुर सिटी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम का मंच पर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि इस बार के चुनाव में कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस को आप जिताएं। गहलोत ने यह भी कहा कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, तो हमने 70 साल से इस लोकतंत्र की रक्षा की है। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन मोदी जी आज देश और युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। 5 साल में मोदी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, इनको सिर्फ लटके झटके करने आते हैं, इन्हें बॉलीवुड में होना चाहिए था। गहलोत ने कहा कि बीजेपी वालों को चुनाव के वक्त गाय माता और राम मंदिर की याद आती है और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। काला धन लेके आऊंगा, 1 रुपया लेके नहीं आया, 5 सालों का अभियान चला ही नहीं काला धन लाने का, सुना आपने कभी न्यूज? इसी प्रकार से 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा प्रति वर्ष, नौजवानों को, कोई जिक्र नहीं। तो आप कल्पना करो किस प्रकार से एक के बाद एक झूठ बोला गया, जुमले बोले गए, अब उनका पर्दाफाश हो चुका है, देश में घबरा चुके हैं, उनको भ्रम है। अब लोग डर के मारे, भय के मारे बोल नहीं रहे हैं, चाहे व्यापारी हो, उद्यमी हो, आम आदमी हो, वो समझ गया कि झूठ कब तो चलेगा। 5 साल के अंदर 2 महीने बाकी रहे, 1.5 महीना बाकी, क्या उनके मुंह से कभी सुना आपने? वो आलोचना भी कर सकते थे, पंडित नेहरू की तो आप जानते हो क्या क्या लिखा रहे हैं, नई पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं। 10 साल से जेल में बंद रहा, आजाद करवाएंगे देश को, उनके खानदान के बारे में, उनके खुद के बारे में क्या क्या बातें कही जाती, मुझे तो बोलते ही संकोच होता है। ये इस तरह के लोग ही हैं बीजेपी वाले, उनकी पार्टी वाले लोग, और जिस प्रकार से गुमराह किया जा रहा देश को, ये आपको हमको सोचना पड़ेगा। आपने सरकार सौंपी हमें, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, जो कहा राहुल गांधी ने कहा कर्जे माफ होना चाहिए, सरकार बनती हमने कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे माफ कर दिए, भूमि विकास बैंक के कर दिए, नेशनल बैंक के कर्जों की बातचीत चल रही है, चुनाव के बाद में 2 लाख तक के कर्जे हमने कहा है जो नहीं चुका पा रहे उन सबका कर्जा माफ हो जाएगा। 2 रुपए की बजाय हमने गरीबों के लिए 1 रुपए किलो गेहूं दे रहे हैं, हम लोग 1,74,000 परिवार को देंगे हम लोग। आपको मालूम नहीं होगा
अब आपके यहाँ पानी के बिल नहीं आएंगे, पानी के बिल खत्म कर दिए गए हैं, ये मैं कह रहा हूँ। आज देश में सब लोग घबराए हुए हैं, घृणा का माहौल है, नफरत का माहौल है, हिंसा का माहौल है, निर्दोष लोगों को गाय माता के नाम पे मार देते हैं। कहाँ की समझदारी है? ये देश एक रहा है, अखंड रहा है, 70 साल में लोकतंत्र कायम रहा है, आज लोकतंत्र को बचाने का वक्त आ गया है, चुनाव उसका है, संविधान को बचाने का चुनाव है, लोगों को न्याय मिले, अन्याय अत्याचार उत्पन्न किसी का नहीं हो, इसका चुनाव है। तो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने मौजूदा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा पर दाव खेला है। तो ये यहां का समीकरण है। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर आमने सामने जो प्रतिद्वंदी हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने कि लड़ाई किनके किनके बीच में है। तो बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया हैं, जिन पर बीजेपी ने यकीन किया है। नमो नारायण मीणा जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, और इन पर भरोसा किया है कांग्रेस पार्टी ने। तो लड़ाई टोंक सवाई माधोपुर से भी बेहद दिलचस्प है, और इस लिहाज से भी दिलचस्प है क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान यहां समीकरण जो है वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में रहा है। और अब बात लोकसभा चुनाव की हॉट सीट जोधपुर की करते हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने जनसंपर्क अब तेज कर दिया है, साथ ही वो सोशल इंजीनियरिंग पर भी फोकस करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने आज जोधपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, जहां सभी जाति समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। जोधपुर लोकसभा सीट प्रदेश की टॉप 5 हॉट सीट में शुमार है, और प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के राजनीतिज्ञों की नजरें इस सीट पर गड़ी हुई हैं। यही वजह है कि यहां चुनावी प्रचार पूरे चरम पर नजर आ रहा है। इस सीट से वैभव गहलोत कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो अपने पिता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वैभव सुबह 6 बजे ही जनसंपर्क का आगाज कर देते हैं, और ये सिलसिला रात 12 बजे तक बदस्तूर जारी रहता है। तो इसके बाद वैभव गहलोत अपनी टीम के साथ बैठकर अगले दिन की रणनीति तय करते हैं। मैं सबसे पहले तो आज इस जयंती के उपलक्ष्य में मेरी ओर से बहुत बहुत नमन करता हूँ बाबा साहब को, और याद करता हूँ बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते को। आज जो भारत का संविधान है, ये डॉक्टर बाबा साहब की देन थी, अम्बेडकर साहब की, जिसकी वजह से आज हमारा देश एक है, अखंड है। तो उसके पीछे एक ही कारण है कि ये संविधान जो बना था बाबा साहब जी के द्वारा, इसी वजह से आज देश एक है, अखंड है। बाबा साहब ने हमें हमेशा सिखाया सभी समाजों को एक साथ लेकर चले। इस कड़ी में आज भी वैभव गहलोत ने मैराथन जनसंपर्क किया। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करने के बाद जनसंपर्क की शुरुआत की, फिर जोधपुर के अशोक उद्यान और पब्लिक पार्क में लोगों से संपर्क किया, तो जालोरी गेट, नागौरी गेट, सरदारपुरा और सूरसागर इलाके में भी लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। वहीं इस बीच वैभव गहलोत सोशल इंजीनियरिंग पर भी फोकस करते नजर आए, जिसके चलते उन्होंने लूणी विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया, जहां शिकारपुरा में वैभव गहलोत का लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, तो सतलाना गांव में SC/ST संस्थान के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने वैभव का अभिनंदन किया। इसके बाद वैभव ने लूणी कस्बे और काकानी के लोगों से भी कांग्रेस को जिताने की अपील की। बाबा साहब ने हरदम दिखाया था कि सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जाए, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। आज हम इस जयंती को मना रहे हैं। ये जयंती तभी सार्थक है जब हम अपने गांव में धाड़ी में शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, हमारी युवा पीढ़ी को शिक्षित करेंगे, हमारे बच्चों को शिक्षित करेंगे। इधर वैभव गहलोत के जनसंपर्क के दौरान लूणी विधायक महेंद्र बिश्नोई, बिलाड़ा विधायक हीरालाल मेघवाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सागर भाई राय का और सुनील परिहार भी उनके साथ मौजूद रहे। अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के तत्वाधान में भैया करें, और आप पूरी लूणी में घूम घूम लाल निवार बम्बोर में मैं आदि सूचे तो छोटे भाई ने भेजिए तो, और बाकी जब भी आप समाज जो है बाबा साहब आपने एक कानून दियो पूरे भारत में लागू करियो, सभा ने एक समान अधिकार दिए। आप लोगों को मालूम है बाबा साहब का बहुत अपने यहाँ लूणी के अंदर उत्साहित कार्यक्रम रहता है, और 1980 से काफी लंबा पीरियड हो गया, जगह जगह सामुदायिक भवन बनाए गए, जगह जगह कार्यक्रम किए गए, उससे कई प्रकार की एकता आज मंच पे है, और आज प्रत्येक गांव में रैली हो रही है, मैं देख रहा हूँ सब जगह।
दरअसल वैभव गहलोत को जब से कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है तभी से वे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और अलग अलग जाति और समुदाय के लोगों से पूरी सहृदयता से मुलाकात कर रहे हैं। अब उनका फोकस उन इलाकों पर है जहां अभी तक जनसंपर्क नहीं हो पाया है। बहरहाल जनसंपर्क के दौरान जिस तरह वैभव गहलोत को आमजन का प्यार और सम्मान मिल रहा है उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पूरी उम्मीद है कि वैभव गहलोत भाजपा के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत को शिकस्त देकर लोकसभा में पहुंच जाएंगे। राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। और इस बीच उम्मीदवारों के लिहाज से जोधपुर सीट का समीकरण क्या है ये हम आपको बता दें तो बीजेपी ने मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को मैदान में उतारा है जिससे जोधपुर प्रदेश की सबसे हॉट सीट में शुमार हो चुके हैं। तो ये यहाँ से दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है जहाँ पे एक तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत है जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, तो दूसरी ओर पहली बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतर रहे हैं सीएम के बेटे वैभव गहलोत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुबह के मुखिया अशोक गहलोत जितना जनता के बीच सक्रिय रहते हैं उतना ही वो सोशल साइट्स पर भी एक्टिव नजर आते हैं। आज उन्होंने क्या कुछ ट्वीट या फेसबुक पोस्ट किया है ये अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आज उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से अपने सभाओं का जिक्र किया है ट्विटर पेज पर। और सबसे पहले हम ट्विटर की बात करते हैं और ट्विटर पर हम फोकस करते हैं जहाँ पे जनसभा को लेकर तस्वीर उन्होंने लगाई है और ये भीलवाड़ा की तस्वीर है। 4 तस्वीरें लगी हुई है और ट्वीट बकायदा किया गया है कांग्रेस कैंडिडेट रामपाल शर्मा जी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। और एक और तस्वीर है गंगापुर सिटी में आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है, इस क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए हम सब की सलाह से हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा जी को कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है, तो उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए उनसे वोट उनके लिए वोट की गुजारिश करने के लिए सीएम पहुंचे हुए थे और इस बात का जिक्र उन्होंने बाकायदा ट्विटर पे किया भी है। इसके अलावा हम फोकस करते हैं जहां थानागाजी में भी आज जनसभा थी उस बात का भी जिक्र है और उस सभा की भी 3 तस्वीरें लगाई गई है ट्विटर पे और इसे भी बाकायदा ट्वीट किया गया है। इसके अलावा अब से 10 घंटे पहले की बात करें तो सैनिकों के पराक्रम का पूरे देश को गर्व है। देश में 70 साल में सेनाओं को राजनीति से अलग रखा गया, पहली बार राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है, ये बयान उन्होंने मीडिया कर्मियों को दिया। इस बीच फेसबुक पे क्या कुछ एक्टिविटी उनकी रही है जरा ये हम दिखा ले आपको। यहाँ भी कई तस्वीरें हैं चुनावी सभाओं से लेकर, कुछ और भी तस्वीर है सुविख्यात पंडित नाथूलाल व्यास जी से कारोई भिलवाड़ा में सभा स्थल पे मुलाकात। ये जरा देखिए ये तस्वीर भिलवाड़ा की तस्वीर है ये जिसे बाकायदा उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया है। एक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात से सीएम बेहद खुश है और यही वजह है कि उन्होंने फेसबुक पे इस तस्वीर को जगह दी है। इसके अलावा भिलवाड़ा को लेकर ही अगली पोस्ट है और वहां पे जिक्र किया गया है कि प्रत्याशी रामपाल शर्मा को लेकर जो सभा में भीड़ जुटी हुई है उनसे वोटों की गुजारिश की गई है और यहाँ भी कई तस्वीरें लगी हुई हैं। फेसबुक पोस्ट की कुछ और हम बातें करेंगे लेकिन ट्विटर पे क्या कुछ एक्टिविटी रही है ये हम आपको दिखा चुके हैं और बता चुके हैं। तो चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में एक्टिविटी सोशल मीडिया पे ज्यादा देखने को मिल रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस